सोशल मीडिया पर सलमान की रेस 3 का उड़ा था मजाक। अब रेस 4 में भी दिखेंगे दबंग खान। सलमान खान की फिल्म रेस 3 को रिलीज हुए 5 दिन बीत चुके हैं। सलमान खान के लिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दुनिया भर में फिल्म के टिकट की एडवांस बुकिंग चल रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो अब तक यह फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह फिल्म मात्र 4 दिनों में ही 210.88 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ये कमाई तब हुई जब फिल्म को लेकर न तो अच्छे रिव्यू आए हैं और न ही आए ऑडियंस के रिएक्शन बढ़े हैं। अब सलमान के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल रेस 3 के आखिरी सीन में सलमान खान समेत अनिल कपूर इस बात का हिंट देते हैं कि रेस 4 भी बनने वाली है। इसी मामले में रेस 3 के निर्माता रमेश औरानी ने खुलासा करते हुए कहा कि ये फिल्म जरूर बनेगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। रमेश औरानी ने बताया, वो बनेगी, रेस 4 जरूर बनेगी, पर पहले स्क्रिप्ट बनेगी, फिर डिसाइड होगा। अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सलमान इस फिल्म में होंगे ये बात कंफर्म है, क्योंकि रेस 3 को नेगेटिव व्यू मिले, लेकिन अकेले सलमान के कंधों पर टिकी इस फिल्म ने 4 दिन में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सलमान खान की फिल्म रेस 3 साल 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। इस फिल्म ने पद्मावत और बागी को पीछे छोड़ते हुए पहले दिन करीब 29 करोड़ रुपए की कमाई की थी। रेस 3 को रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया है। सलमान खान और रमेश तौरानी ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। रेस 3 में सलमान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, साकिब सलीम और डेजी शाह हैं। फिल्म 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है।